किस्मत नहीं खराब होती बाबू, तो इतना दुख कौन झेलता है जितना मैं झेलती हूँ, है ना। किसी से सुधारने की कोशिश है। मैं एक औरत होके, एक लड़की होके इतनी हिम्मत कर सकती हूँ, तो आप लोग सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो ना, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर। हेलो जी, राम राम, गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। आज का जो ब्लॉग है मैं सुबह सुबह स्टार्ट कर रही हूँ, 7:30 बज गए हैं। मैं सुबह सुबह ही नहा ली थी 6:30 बजे, तो पूजा पाठ हमारा जो है गाइस हो चुका है बिल्कुल अच्छे से। पतिदेव भी यहाँ पे नहा लिए हैं, तो ये भी जा रहे हैं पूजा पाठ करने। और आज है शनिवार, तो हम जा रहे हैं मंदिर, तो मंदिर जाने का सारा सामान मैंने रख लिया है। बस पतिदेव थोड़ा लेट नहाए हैं क्योंकि ये सो गए थे। मैं पूजा करने से पहले ही उठा के गई थी कि उठ जाना, मंदिर जाना है, तो ये सो गए थे वापस से। तो मैं जब पूजा पाठ कर ली हूँ वापस से, जब ये उठे हैं तो लेट हो गया थोड़ा सा। तो कोई नहीं, अब ये नहा लिए हैं, बस इन्हें कपड़े ही पहनने हैं, फटाफट से कपड़े पहनेंगे और हम मंदिर जाएंगे। तो मैं अभी जब तक फटाफट से अपने बाल बांध लेती हूँ, क्योंकि खुले बाल में मंदिर नहीं जाना चाहिए। मतलब लोग आते हैं पर मैं नहीं जाती हूँ, तो चलती हूँ फटाफट से बाल बांध लेती हूँ और मंदिर से पूजा पाठ करके आती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। अगर फ़ोन ले जाऊँगी तो वीडियो शूट करूँगी, नहीं ले जाऊँगी तो नहीं शूट करूँगी। तो चलिए, आप लोग बने रहे वीडियो में, और वीडियो को अगर नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। मिलते हैं थोड़ी देर में। तो गाइज, यहाँ पे मैंने बाल कंघी कर लिया, 2 मिनट लगे हैं मुझे बाल कंघी करने में। और पतिदेव सेविंग यार हफ्ते में 2 बार किया करो तुम। हाय, तुझे भी आता है कर लेना। हाँ, कौन मना किया है, फिर से करो, तीसरी बार करो, चौथी बार करो, जितनी बार तुम्हारी मर्जी उतनी बार करो। हमारी मर्जी तो इतनी बार करनी अभी है, हो गई। मंदिर जा रहे हो, ज़्यादा वो मत करो, चलो फटाफट से चलो। यार क्या तेल ओल लगा रहे हो, आके लगा लेना बाबू, बाहर बारिश हो रही है। बंद हो गई तो जैसा पड़ रहा है ना, हल्का हल्का, कुछ नहीं पड़ रहा। तो गाइस, आज हमारे यहाँ बहुत अच्छी वाली बारिश हुई है रात में शायद 3-3:30 बजे से बारिश स्टार्ट हुई है, और बहुत अच्छी वाली बारिश हुई है। मतलब अभी भी बारिश हो रही है, मैं आपको अपनी गैलरी दिखा देती हूँ, पूरा भरा पड़ा हुआ है, मतलब गंदा हुआ है। तो आप देख सकते हो गाइस, यहाँ पे पूरा पानी पानी फैला हुआ, और कल ही मैंने गैलरी शाम को धुला था, तो मैं नीचे आपको दिखा देती हूँ कितनी अच्छी वाली बारिश हुई है। और पूरी गली जो है वो भरी पड़ी थी, अभी जाके मतलब कुछ खाली हुई है। तो गाइस, मंदिर से पूजा पाठ करके हम आ गए, और हो रही है बारिश। और गाइस, बारिश हो रही है फिर भी इतनी उमस हो रही है, चेहरे पर पसीना आपको दिख रहा होगा, पता नहीं क्यों इतनी तेज़। मतलब बारिश रात में भी हुई, कल भी हुई थी, और उमस इतनी ज़्यादा हो रही है, जैसे अभी कितना बारिश होगा। तो पहुँचते ही पतिदेव ने चला दिया है टीवी, तो चलिए चाय वाय बनाते हैं, क्योंकि घड़ी में बज गया 8 और आज है सैटरडे शनिवार। तो फटाफट से सकती हूँ चाय बनाती हूँ, क्योंकि 8 बज गए हैं, हमें पूजा पाठ करके आने में काफ़ी टाइम लग गया। मंदिर में भीड़ नहीं थी गाइस, क्योंकि आज था शनिवार, और ऊपर से बारिश की वजह से बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, हमें ज़्यादा भी टाइम नहीं लगा, हम आधे घंटे में वापस आ गए पूजा पाठ करके। तो पतिदेव नीचे मोटर बंद करने चले गए, क्योंकि बारिश की वजह से नीचे धुलाई करनी पड़ती है, तो मोटर चलाए थे तो भूल के चले आए। तो चलिए गाइस, चाय बना के मिलती हूँ, सिर में बड़ा दर्द हो रहा है। इंसान क्या कर रहा है गाइस, हंसने की कोशिश कर रहा है पर हंस नहीं पा रहा है। हंसी को रोकते नहीं बाबू, हंस देते हैं। तो गाइज, यहाँ पे नाश्ता वगैरह बन गया, और पीछे पतिदेव नाश्ता कर रहे हैं, तो मैं भी चलती हूँ नाश्ता कर लेती हूँ। मैंने सोचा आप लोग को दिखा दूँ मेरा डेली का रूटीन, और पीछे चल रहा है 100 शहर 100 खबर आ रहा है, तो आप लोग देख सकते हो। मैं आपको अपना नाश्ता दिखाती हूँ। तो यहाँ पर नाश्ते में मटर और मुरमुरे, और यहाँ पर है चाय, चाय 1 ही कप है क्योंकि मैं चाय नहीं पीऊँगी। और यहाँ पर है हमारे पतिदेव जो मोबाइल में पता नहीं क्या देख रहे हैं। बाबू चाय तो पी लो यार, फ़ोन रख दो, नहीं सुनाई दे रहा है, टीवी भी चला रखे हो, फ़ोन भी चला रखे हो, कौन सी आदत है तुम्हारी, पहले चाय पियो, फ़ोन रखो। तो चलिए गाइस, हम भी चाय वाय पी लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। आइए आप लोग भी नाश्ता कर लीजिए हमारे साथ, तो नाश्ता करने के बाद मिलते हैं, तब तक आप लोग बने रहे वीडियो में। तो हेलो गाइस, यहाँ पर नाश्ता वास्ता करके हम बैठ चुके हैं, और पतिदेव यहाँ पर लेटे हुए हैं, और नाश्ता वास्ता करने के बाद अब सोच रही हूँ क्या बनाऊँ, अब खिचड़ी बनाऊँ या तहरी बना दूँ। शनिवार है, पिछले शनिवार को भी एकादशी था, खिचड़ी नहीं बना था, तो आज शनिवार का ही आज बनाएंगे हम खिचड़ी। और बिस्तर की हालत आप देख सकते हो, इतना तकिया रख के कौन सोता है, एक तकिया
एक चद्दर, एक तकिया, दो तक, तीन तकिया, एक चद्दर रख के कौन सोता है? इतने सारे, मतलब बिस्तर पे अभी तक हाथ नहीं लगा, आज मैंने नहीं लगाया तो बिस्तर बिल्कुल भी सेट नहीं हुआ है। क्या देख रहे हो? तुम्हें नहीं करना चाहिए, तुम्हें खुद सोचना चाहिए कि ये घर के काम कर रही है सुबह, मैं इतना तो कर सकता हूँ ना, नहीं करना चाहिए। सोमवार को मार्केट जाना है मुझे, चलो चद्दर लाना है यार, बेड शीट पता एक है, एक वही निकालना है और बाकी यही एक डाल रखी हूँ जो यही है, दो ले आते हैं और एक तो बेड में है उसे निकाल के भी बिछाऊंगी, ये भी गंदा हो रहा है। तो गाइस आज हमारे यहाँ हो रही है बहुत अच्छी बारिश और हमारी जो बेड शीट है काफ़ी गंदी हो गई है, तो इसे हम कल चेंज कर देंगे और सोमवार को मार्केट जा कर के नए बेड शीट लाऊंगी मैं, क्योंकि मेरे पास बेड शीट जो थे सारे ख़त्म हो गए, फट गए कई सारे थे, तो पुराने हो जाते हैं काफ़ी दिन अगर ना लो तो उन्हें चेंज करना है और इसे भी चेंज करना। ये भी एक जगह से वहाँ से पता नहीं कैसे जैसे लगता है ना चाकू लगाओ ना वहाँ का जो कटा हुआ है, तो वापस से आ रही आज इन्हें हिचकी। मुझे तो कभी हिचकी ही नहीं आती क्योंकि मेरा मतलब मेरे माँ बाप के सिवाय याद करने वाला कोई है ही नहीं, तो उनका फ़ोन ही आ जाता है, तो ये जिसके चाहने वाले होंगे उसी को हिचकी आएगी ना, मुझे नहीं आती कभी। मैं कितनी बदनसीब हूँ, मुझे चाहने वाला कोई नहीं है, बदकिस्मत, मेरी किस्मत ही ख़राब है। किस्मत नहीं ख़राब होती बाबू, तो इतना दुख कौन झेलता है जितना मैं झेलती हूँ, है ना किस्मत खराब। इसे ही बोलते हैं किस्मत खराब, वरना हाथ में आ करके सारी चीजें लौट जा रही हैं। सच में गाइस कभी कभी ना अपने मतलब अपने जीवन के बारे में सोच के बहुत कष्ट होता है, दुख होता है। मैंने इतनी छोटी सी उम्र में इतने दुख देखे हैं यार, सुख कब मिलेगा, सुख कब मिलेगा? आप लोग सपोर्ट करो यार, जब ही तो सुख मिलेगा, थोड़ा सा सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं मुझे बिल्कुल भी। सपोर्ट करो यार, बहुत उम्मीद है यूट्यूब से, सच में थोड़ी स्थिति सुधारने की कोशिश है। मैं एक औरत होके, एक लड़की होके इतनी हिम्मत कर सकती हूँ, तो आप लोग सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो ना, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो मेरे चैनल को। और यहाँ मैं बोल रही हूँ पति देव को आ रहा गुस्सा, क्योंकि मैं जो नहीं बताना चाहिए वो भी बता रही हूँ, हमारी स्थिति ऐसी है तो बताना पड़ेगा ना, अच्छे बुरे जो भी हमारे साथ बीतेंगे, जो भी दिन होगा हम सारी चीज़ें शेयर करेंगे, कुछ भी नहीं छिपाएंगे, क्योंकि हम अच्छी चीज़ें, ऐसा नहीं है कि बस हम अच्छी चीज़ें दिखाएंगे, अगर हमारे साथ कुछ गलत हो रहा तो हम वो भी दिखाएंगे, हमारी परिस्थिति गलत है मतलब स्थिति हमारी सही नहीं है, जो भी हमारे साथ होगा हम सारी चीज़ें शेयर करेंगे आपके साथ, ऐसा नहीं है बस अच्छी चीज़ें अच्छे मोमेंट्स शेयर करें, ऐसा कुछ नहीं है, सारी चीज़ें आपसे शेयर करेंगे। क्या वो क्या सोच रहे हैं, सोचना क्या है यार, जो होगा देखा जाएगा, लाइफ है, जितने दिन की जिंदगी है जियो, पता नहीं कब आपके बन ले जाए, क्या पता। तो चलिए गाइस ब्लॉग को ज़्यादा बड़ा नहीं करते वरना हो जाऊंगी मैं इमोशनल, तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, आप लोग सच में सपोर्ट कर दीजिए थोड़ा सा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक ने हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर करें और हमें कमेंट करके बताएगा कि हमारी वीडियो कैसी है, और प्लीज़ सपोर्ट करें, मैं बार बार यही कह रही हूँ। बाय बाय गाइस, टेक केयर।